नेक्स्ट आई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में। नेहा कक्कड़ जहाँ पर अपने डांस और अपने गानों से आदि नहीं पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुकी हैं, तो वहीं यहाँ पर भाई नेहा कक्कर बीते दौरान हिमांशु के साथ ब्रेकअप के बाद सुर्खियां बटोरती दिखी। अब लीजिए हाल ही में पहली बार नेहा कक्कर ने हिमांशु को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया, हिमांशु को लेकर ब्रेकअप के बाद की कहानी भी बताई। भाई काफी देखा गया कि रियलिटी शो में भी जब भी कोई सैड गाना गाता था तो नेहा कक्कर के आंसू झलक पड़ते थे। अब आप देखेंगे ब्रेकअप के बाद की कहानी जहां पर खुद नेहा कक्कड़ बताती दिखी, जिसे जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। अब क्या कुछ रहा है खास, देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कर, जो अक्सर ही अपने लटकों झटकों से लेकर अपने बेहतर गाने के लिए जानी जाती है, मगर बीते दौरान तो वही नेहा कक्कर जानी जा रही हैं ब्रेकअप के बाद से। यानी कि नेहा कक्कर का ब्रेकअप हो चुका है हिमांशु के साथ, ये सभी आप जानते हैं। अब लीजिए ब्रेकअप के बाद पहली बार नेहा कक्कर ने एक साइट को इंटरव्यू दिया, जहां पर नेहा कक्कर ने बताया कि भाई हिमांशु कोहली और उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, भाई क्या हो गया था ऐसा जो दोनों को अलग होना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि नेहा कक्कर का कहना है कि जब मैं रिलेशनशिप में थी तो मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों को समय नहीं दिया था, मैं अपना सारा वक्त और एनर्जी ऐसे इंसान को दे रही थी जो डिजर्व भी नहीं करता था। इसके बावजूद वो हमेशा मुझसे शिकायत करता था कि मैं उसके साथ समय नहीं बिताती हूँ, मैं फिर से प्यार करने के लिए अब तैयार नहीं हूँ। इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि मैं सिंगल रहना मेरे लाइफ के लिए ये सबसे बेस्ट फैसला होगा। अब मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ, जो कुछ भी हुआ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि इससे मुझे और परिवार का महत्व समझ आ चुका है। वो फेज बेहद ही टफ था, हाँ मैं डिप्रेशन में थी और ब्रेकअप का बाद मुकाबला करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हालांकि अब मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि सिंगल रहना मेरे जीवन का सबसे अच्छा एहसास होगा। वाकई ये कहीं बारी ऐसा देखा गया है कि भाई नेहा कक्कर भले ही इंटरव्यू में कितना भी कुछ ना कह ले, मगर बीते दौरान कई रियलिटी शोज में देखा गया जब भी इमोशनल गाने बजते थे तब नेहा के आंखों से आंसू झलक आते थे। अब ऐसे में अपनी अंडरस्टैंडिंग न मिलने के कारण नेहा ने हिमांशु कोहली से ब्रेकअप कर लिया। खैर देखना होगा कि क्या सच में अब नेहा सिंगल रहेंगी या फिर कोई और शॉकिंग खबर सामने आती है। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा ये खास प्रोग्राम और नेहा कक्कर का दुख भी जाना। भाई नेहा कक्कर किस तरह से यहाँ पर अपने दुख को बताती दिखी वो भी आपको पता चला। भाई आपको बता दें कि नेहा कक्कर ने हाल ही में ऋषिकेश में नया घर खरीदा है। आपने देखा जो नया घर खरीदा है उसकी ब्यूटीफुल सी तस्वीरें भी सामने आई, और ऐसे में नेहा कक्कर ने एक नई बेबी को लिया है, बेबी यानी कि न्यू मर्सिडीज कार, जी हाँ, जिसकी तस्वीर नेहा कक्कर ने खुद शेयर की। सुना आपने ब्रेकअप की कहानी को, सुना आपने नेहा के मुंह से खुद ही उनकी दास्तां को। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।